श्री जी के प्राथमिकताओं में हमेशा राजस्थान रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों से राजस्थान के अंदर ऐसी सरकार आई जो सरकार केंद्र से मिलने वाला जो बजट है, केंद्र से मिलने वाली धनराशि है, उस धनराशि को लगाना नहीं चाहती है। वो राजस्थान के लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती है। इसका उदाहरण है जल जीवन मिशन में हजारों हजार करोड़ की जो धनराशि आई है, वो धनराशि आज खर्च नहीं हो रही है। राजस्थान में आखंड जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, उसमें भी राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है। सड़कों में हम जब जाते हैं तो कल रथ हमारा 150 किलोमीटर के लगभग पूरे दिन भर की यात्रा हमने करी है। अनेकों स्थानों पर सड़कों पर गड्ढे हैं, अपराध के आंकड़े सारे पार हो रहे हैं। किस प्रकार से यहां की बहन बेटियों के साथ निर्वस्त्र घुमाया जाता है, सरकार को पता भी नहीं चलता है। जब लोग हल्ला करते हैं, लोगों में आंदोलन होता है, उसके बाद सरकार आती है। और जो हिंदू सनातन संस्कृति की विरोध की बात है, वो आज जो महागठबंधन जिसको कहते हैं घमंडिया गठबंधन, उस गठबंधन के लोगों में होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा सनातन संस्कृति, सनातन हिंदू संस्कृति के बारे में कौन अधिक से अधिक अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है, कौन ज्यादा नीचता पर जा सकता है, इस प्रकार का काम हो रहा है। जैसे उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मंत्री हैं, वहां के मुख्यमंत्री जी के बेटे भी हैं, वो जिस प्रकार की टिप्पणी आज सनातन हिंदू संस्कृति पर कर रहे हैं, ये इस गठबंधन का चरित्र बताता है। कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे जिस प्रकार से सनातन हिंदू संस्कृति की तुलना डेंगू से, मलेरिया से करते हैं, और गठबंधन के बड़े बड़े लोग शांत रहते हैं, सोनिया गांधी जी कुछ नहीं बोलती, राहुल जी कुछ नहीं बोलते हैं, अन्य जो गठबंधन के साथी हैं सारे के सारे चुप बैठे रहते हैं। और राजस्थान तो सनातन हिंदू संस्कृति के विरोध का एक, मैं कहूं कि सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। यहां पर हिंदू जितने भी त्यौहार होते हैं, चाहे दशहरा पर्व हो, रामनवमी हो, कोई अन्य पर्व हो, उन पर्वों पर पाबंदी लगा दी जाती है। शिवलिंग को किस तरह से काटा जाता है, कटर लगाकर काटा जाता है, ये हम सब देख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।